तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले साक्षात यमराज के बारे में, जो कि भारत देश का एक सबसे जहरीला सांप है, जो कि एक कॉमन कलर जिसको लोकल भाषा में साइलेंट किलर भी कहा जाता है और लोकल भाषा में उसे चित्ती सांप भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही जानकारी दायक होने वाला है। तो आप अगर हमारे वीडियो में नए है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, पुराने है तो लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। कॉमन कलर जो कि बिस्तर के अंदर जाने के बाद काटने में बहुत ही बड़ा माहिर सांप है। अगर ये सांप एक बार हमको काट ले तो हमारी मौत अवश्य निश्चित निश्चित है। हमें मौत से कोई भी आदमी या कोई भी इंसान नहीं बचा सकता है। तो दोस्तों, कॉमन करेट को अगर हम पहचानने की बात करें तो कॉमन करेट पूरे ब्लैक कलर में पाया जाता है और उसके शरीर के ऊपर गले से ऊपर से लेकर व्हाइट कलर में एक्स आकार में उसकी लाइनें पाई जाती है और इसका मुंह थोड़ा सा आगे से त्रिकोण आकार में होता है और इसकी जीभ गुलाबी कलर की होती है। और दोस्तों, इस सांप को निशाचर भी कहते हैं क्योंकि यह सांप रात को 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक ही घूमना फिरना पसंद करता है। तो दोस्तों, अगर हम इसकी जहर के बारे में बात करें यानी वेनम के बारे में बात करें तो इसका वेनम हाईली न्यूरोटॉक्सिन वेनम पाया जाता है इसके अंदर। और ये लगभग कितनी भी बार बाइट करे यानी हमको काट ले, अगर ये जितनी बार भी हमको काटेगा तो जहर जरूर जरूर छोड़ेगा और उस जहर से हमारी मौत भी हो सकती है। और ये जितना भी जहर छोड़ेगा वो 1 मिलीग्राम से लेकर 10 मिलीग्राम तक भी जहर छोड़ सकता है। तो दोस्तों, अगर ये हमको काट ले तो इसके क्या क्या सिम्टम है यानी क्या क्या इससे काटने पर तकलीफ होती है। तो दोस्तों, पहला तो ये होता है कि हमको काटेगा हमको ऐसा पता भी नहीं चलेगा कि हमको सांप ने काटा है, क्योंकि इसके दांत बहुत ही पतले यानी बारीक होते हैं और उसके दांत बहुत ही पिछली भाग में पाए जाते हैं। इसके कारण सांप बहुत ही कम काटता है, लेकिन काटता है ऐसे जो कि एक बार काट लिया तो उस इंसान का मरना तय है तो तय है। तो दोस्तों, इसके काटने पर ये होता है जो कि पहला तो होता है पेट में ऐंठन यानी पेट में मरोड़े चालना और लगभग हमारे 45 मिनट में आदमी कोमा में जाना और सिर दर्द होना और अलग अलग सिम्टम इसमें पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आपको भी ऐसा कभी भी हो तो आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाए, वरना आपको मौत से कोई भी आदमी या कोई भी इंसान नहीं आपको बचा सकता है। तो दोस्तों, मैं एक और आपको बात बताना चाहता हूँ कि आप अगर हमारे वीडियो को नहीं देखते तो आप छोटी छोटी जानकारी आपको नहीं मिलती। इसके कारण आपको कभी भी यह आशा हो सकता है तो आप उस टाइम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, छोटी मोटी हमारी वीडियो है तो आप जरूर देखिए और हमें भी सपोर्ट करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, इस सांप का थोड़ा सा छोटा सा वीडियो मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा, तो वहां से भी इस सांप को आप देख सकते। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।